जी हाँ, पैडी फील्ड्स मतलब जो है चावल के खेत, वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं ना, वो पूरे हिंदुस्तान से हवाएं आती हैं। कहाँ से आती हैं किसको मालूम है, लेकिन जो लोक संगीत जो है, फोक म्यूजिक जो है, उसका जो फ्यूजन है इन हवाओं से बनता है। तो जो आप 15-16 तारीख को ये जो प्रोग्राम देखेंगे, नेस्को ने जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जो पॉप म्यूजिक, जो बॉलीवुड म्यूजिक का जो उनकी जो शुरुआत है, वो फोक और फ्यूजन म्यूजिक से हुई है। इसकी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त झलक मिलेगी। हाँ, हरिहरन और मैं, हमारा एक बैंड है बहुत पहले से, कॉलोनियल कज़न्स, तो वही म्यूजिक हम पेश करेंगे। एंड आई थिंक वी आर ऑल गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज पैडी फील्ड्स एक ऐसा फेस्टिवल है जो पहले हुआ नहीं है। एंड नेस्को जो प्रमोट कर रहा है, आई थिंक इट्स रियली ग्रेट थिंग कि अलग टाइप की म्यूजिक की फेस्टिवल भी हो। आई वांट टू कांग्रेचुलेट नेस्को एंड द टर्नकी टीम फॉर पुटिंग दिस फैंटास्टिक इनिशिएटिव टुगेदर। आई थिंक देयर इज अ डर्थ ऑफ फर्स्टली गुड वेन्यूज इन दिस सिटी, और इतना अच्छा और बड़ा और खूबसूरत वेन्यू इस सिटी में नहीं है। इट इज द फर्स्ट टाइम दे डूइंग इट, सो वी शुड ऑल लेंड आवर फुलेस्ट सपोर्ट टू देम। पैडी फील्ड्स एक्चुअली जो दो वर्ड्स हैं मेरे लिए, वो बहुत मुझे बहुत अच्छा ये लगा। एग्जैक्टली मुझे मेरे बचपन में, मैं पैदा होती हूँ आसाम के एक छोटे से गांव में, बरपेटा एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहाँ अभी भी याद है गर्मियों की छुट्टी होती थी, गांव जाते थे और जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो मध होता है, कादा होता है खेती में, और उस पर अंदर जाना, और धान की जब खेती होती है ना, उससे पहले उसको रोपा जाता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं, रोपनी बोलते हैं, इनफैक्ट रोपनी के भी गीत है हमारे लोक संगीत में, और वहाँ जाके उसको रोपना। और पैडी फील्ड्स अचानक मुझे वहाँ तक ले गए, मेरे बचपन तक, और तो उस नाम से जाहिर सी बात है संगीत में क्या क्या होने वाला है। जहाँ तक मेरी बात है, थ्रू वॉइस में अलग अलग भाषा को एक्सप्लोर कर रही हूँ एक्चुअली, एंड 30 भाषा में मैं अब तक गा चुकी हूँ, और मुझे पसंद है अलग अलग भाषा में, बोलियों में गाना। ऑफकोर्स मैं आसाम से हूँ, एसमीज भोजपुरी के बारे में मैं जरूर बोलना चाहूंगी, और बहुत ही बंगाली ऑल्सो। सो एक साथ भाषा साहित्य को, मेरे लिए वो भाषा साहित्य की एक यात्रा है, और मैं चिंतित हूँ हमारे बच्चे किस भाषा में सोचते हैं आजकल। मैं ये इसलिए लगी हूँ, किस भाषा में हम सोच रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ऑफकोर्स वो है, बट हम किस भाषा में सोचते हैं वो ही एक्चुअली कायम रखेगा मेरी रूट्स का, मतलब बच्चों तक है कि नहीं, पहुंचे कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे अगर इस बारे में सोचा जाए भाषा साहित्य को लेके, तो और मेरे लिए वो और खुशी की बात होगी। बाकी कांग्रेचुलेशन ऑल ऑफ अस। राम भैले जो गया लखन बाया रगिया के, दोनों भैया हो गए ले फार की, अगरवा में डाली होले तुलसी जी के मलवा हे। ये संगीत का नशा है जो सिली सिकन से उर्दू तक मुझे ले आया है, और सब कुछ कर रहा हूँ आज, थोड़ा बहुत बॉलीवुड भी गा रहा हूँ, तो बहुत अच्छा मिक्स है इस फेस्टिवल का। पैडी फील्ड है, मैं भी वही से, हम लोग यार राइस खाते हैं सिर्फ, पैडी फील्ड है और बाकी कुछ नहीं कहते हैं, बहुत लेजी आसम इज लोअर, राइस फेंक देते होते रहते हैं, खेती हो जाती है, चावल खुद हो जाते हैं। एंड व्हाट अ मिक्स इट्स गोइंग टू बी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों ने देखा है खुद ही, और बहुत सारे कलाकार होने वाले हैं दो दिन में, तो ये कॉन्सर्ट नहीं, फेस्टिवल है, और जैसे ध्रुव ने कहा बहुत अच्छा वेन्यू है। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि हम पीछे रूम में बात कर रहे थे दैट आप लोग तो फिल्म म्यूजिक से ही माहिर हुए हो, और फिल्म म्यूजिक की आपकी पहचान है, पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी शुरुआत एक्चुअली भी थी लोक संगीत से। 96-97 में हमने सोचा था कि हम एक फोक एल्बम बनाएंगे जिसका नाम था भूमि, और वहीं से हमने शुरुआत की थी। वो एल्बम आया और गया, फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा फिल्म म्यूजिक में अपना नाम, कुछ अपनी पुकार दे देते, और उस तरह से हम फिल्म म्यूजिक से ज़्यादा, उसके ज़रिए हम ज़्यादा हमें शोहरत मिली। लेकिन पहली बार हम मुंबई में एक
ऐसे फेस्टिवल में बजाने जा रहे हैं जहाँ पे हमें कहा गया है कि प्लीज फिल्म म्यूजिक मत बजाओ, जो सुन के मुझे इतनी खुशी हुई, बिकॉज हमारे हमारा म्यूजिक जो हमारा हिंदुस्तान का म्यूजिक है वो कहीं ना कहीं एक बैकसीट ले लिया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम इंडियन म्यूजिक की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं सिर्फ इट्स ओनली बॉलीवुड। मुझे बहुत खुशी हो रही है दैट दिस टाइम वी डूइंग म्यूजिक विच इज यू नो विच जो हमारी मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एंड नाम भी बहुत दिलचस्प है, टैडी फ्यूज, इट्स रियली समथिंग दैट हैज अ वेरी इंटरनेशनल फील टू इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दैट मुंबई में हम सभी को, नॉट जस्ट यू नो द लिसनर्स, बट हम सब लोग, इवन आर्टिस्ट, दे हैव एक्सपीरियंस दीज गाइज द मांगड़ियाज ऑफ राजस्थान। इतनी कमाल की उनकी मौसीकी है, म्यूजिक की सोच है, और जिस तरह से हमने ब्लेंड किया हुआ है हमारे सेट के साथ में, हमें बहुत खुशी मिलती है, एंड हम आशा करते हैं जब लोग इंजॉय करेंगे। बॉलीवुड का नाम सबसे ऊपर रहता है, म्यूजिक जब म्यूजिक की बात होती है तो सबसे पहले बॉलीवुड का नाम आता है, मगर अगर आप यहाँ से बाहर निकलो और इंटरनेशनली जाओ कहीं भी, आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, तो लंदन में म्यूजिक स्टोर के अंदर आपको जो एल्बम्स दिखेंगे, जो सीरीज दिखेंगी, वो आपको सिर्फ फोक म्यूजिक की दिखेंगी। और हमारे देश के अंदर अगर कुछ म्यूजिक जो बिकता है बाहर, तो इट इज़ ओनली बॉलीवुड। बॉलीवुड म्यूजिक तो है ही है, मगर हमारे देश का जो म्यूजिक है, हमारा लोक संगीत जो है, हमारा फोक म्यूजिक जो है, उसे हम एक तरीके से बढ़ावा दें, उसे एक मंच दें, एक स्टेज दें जहाँ पे लोग आकर उसे उधर परफॉर्म कर सके।